हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला नाश्ता, जो कि हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए सीखें अपनी रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। ये शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है। तो एक कप सूजी लेंगे तो हम इसमें लेंगे आधा कप दही और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसको अब हम 10 मिनट के लिए रख देंगे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए सूजी ने दही को एकदम एब्जॉर्ब कर लिया है, दही और पानी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक उबला हुआ आलू, जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इससे आलू में गुठली नहीं रहती है और ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। तो एक उबला हुआ आलू लिया है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इस नाश्ते में ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, जिससे ये नाश्ता और हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, उसे बारीक काट लिया है। एक गाजर है, उसे भी बारीक काट लिया है। एक टमाटर है, उसे भी बारीक काट लिया है, उसके बीज निकाल दिए हैं। एक प्याज है, उसे भी बारीक काट लिया है। एक इंच अदरक है, उसे ग्रेट कर लिया है। एक हरी मिर्च है, उसे भी बारीक काट लिया है। और कुछ धनिया की पत्ती है, उसे बारीक काट लिया है। तो ये सब हम इसमें लेके ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियां ऐड करने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर दिया है, जिससे नाश्ता और चटपटा बनेगा। तो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा चटपटा टेस्ट चाहिए तो आप चाट मसाला जरूर ऐड करें, वरना ये बिना चाट मसाले के भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे हम। अब ये देखिए मिक्सचर जो है थोड़ा ड्राई सा लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो आधा कप हम पानी लेके ऐड कर देंगे और लेकिन इसका जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा, तो वो आप देख के हिसाब से ऐड करें। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बैटर बन के रेडी है। तो आइए शुरू करते हैं इसका नाश्ता बनाना। ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इसको बहुत पतला ना करें। अब गैस पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन चढ़ा दिया है, उसमें एक चम्मच ऑयल लेके अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और ये जो बैटर अब मैंने तैयार किया था ये हम लेकर के इसमें पोर कर देंगे और छोटे छोटे पोर्शन लेकर के हम इसमें फैला देंगे। उधर भी फैला देंगे, ऐसे ऐसे करके हम दो तीन अपने पोर्शन लेके फैला देंगे गोल गोल। तो ये देखिए मैंने इसे फैला दिया है इस नाश्ते को। तो अब हम इसे लेकर के ढक देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे कि जिससे ये अंदर तक पक जाएं। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका ढक्कन लेके हटा देंगे और ये देखिए अब ये पकने लगा है। तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लेकर के हम स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसे हल्के हाथ से लेके पलट देंगे, ऐसे ही दूसरा वाला भी पलट देंगे। देखिए सबको मैंने पलट दिया है। अब हम फिर इसे ढक देंगे और लगभग 2 से 2.5 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए फिर हम इसका ढक्कन हटा देंगे और ये कितना अच्छा सेक के रेडी हो गया है दोनों तरफ से। अगर आपको थोड़ी सी कसर लगे तो आप इसे उलट पलट के 1 से 2 मिनट और पका लें और ये हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। फिर से दूसरी शिफ्ट लेके रख दी है और हम इसे भी सेम प्रोसेस से पका लेंगे। मैंने इन्हें फैला दिया है, फिर हम ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनके रेडी है। आप ये रेसिपी बना के जरूर ट्राई करें। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे भी बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, इसे शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, बाय।